नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्लू पेंसिल के शो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था या राज्य राज्य व्यवस्था। इससे पहले हमने शुरू किया था भारतीय संविधान, तो वो पैरेलल चलता रहेगा और इसी के साथ में ये प्लेलिस्ट भी शुरू की है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राज्यपाल यानी कि गवर्नर, ये चीज़ हमने ली थी 1935 के एक्ट से। उस समय केवल गवर्नर नाम ही यूज होता था, लेकिन संविधान में इसका हिंदी में नाम राज्यपाल भी यूज हुआ है। अब देखिए, जो बिल्कुल नए हैं राज्य व्यवस्था के मामले में, उनके लिए एक बात की सरकार किसी भी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। सरकार ही उस शासन को चलाती है, चाहे कोई भी देश हो या कोई भी राज्य हो। तो हमारे भारत में, भारतीय संविधान में दो स्तर की सरकारों का वर्णन है, एक तो केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। और कोई भी सरकार हो, उसके तीन भाग होते हैं। एक तो कानून बनाती है, दूसरी उस कानून को व्यवहार में लागू करती है, उसका कार्यान्वित करती है, उस पर काम करती है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरी न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है कि उस कानून का क्या सुचारू रूप से कार्य किया गया है और क्या जो संविधान में उपबंध है उनके अकॉर्डिंग नए कानून बनाए जा रहे हैं या उनका कोई विरोधी उपबंध बनाया जा रहा है। तो ये इन दोनों के ऊपर निगरानी रखता है। केंद्र सरकार के तीन भाग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों की क्या भूमिका है वो हमने अभी देखी। अब देखते हैं भारत में कार्यपालिका के कौन कौन से होंगे। भारत में कार्यपालिका जो केंद्र सरकार की है, वहां सबसे ऊपर बैठते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के या केंद्र सरकार के सबसे बड़े सरकारी वकील। और कानून बनाने का काम करती है संसद। संसद में दो सदन है और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। वैसे ही राज्य सरकार है, इसी में ही तीन भाग हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल है, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री है, और वहां पर भी मंत्रिपरिषद हुआ करती है और यहाँ पर भी। वहां महान्यायवादी होता है, राज्य का सबसे बड़ा सरकारी वकील, और यहाँ पर राज्य महाधिवक्ता, जो सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखता है। तो यहाँ पर जो कानून निर्माण की संस्था है वो है विधानसभा। लेकिन भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, यहाँ पर ये इस संसद के अंदर में यह है, विधानसभा नहीं है, इस कार्यपालिका के अंदर में ये कार्यपालिका नहीं है। लेकिन एकीकृत न्यायपालिका होने की वजह से ये स्तर बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट्स। अब आप इस हमारे टॉपिक पर आते हैं, राज्यपाल के। तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, उसी प्रकार राज्य का पहला नागरिक का दर्जा राज्यपाल को मिलता है। ये कार्यकारी प्रमुख होता है, मतलब कार्यपालिका जितने भी काम करती है उनका प्रमुख रूप से इसी का गिना जाता है कि ये राज्यपाल द्वारा किया गया है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कार्यपालिका का नाममात्र प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख, मतलब संविधान में राज्य स्तर पर सबसे सर्वोच्च पोस्ट अगर है तो वो है राज्यपाल की। और औपचारिक प्रमुख, औपचारिक कह सकते हैं, नाम मात्र कह सकते हैं, अगर फॉर्मली देखा जाए तो कागजों में जो सील और मुहर होती है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वो है राज्यपाल। लेकिन रियल में कौन है? मुख्यमंत्री। लेकिन अगर हम औपचारिक रूप से देखें तो सबसे ऊपर है राज्यपाल। राज्य के प्रमुख के साथ में ये केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका भी निभाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, जो कि केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद की मंत्रणा के बाद में की जाती है। तो ये इन दोनों के बीच की कड़ी का काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की कड़ी का काम करती है। इसीलिए संघ शासन है हमारा, जो संघीय व्यवस्था है, उसमें राज्यपाल का एक अहम योगदान है। इसे बुद्धिमान परामर्शदाता भी माना जाता है राज्य का। ये राज्य का संरक्षक है और इसी के साथ में संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण भी करता है, क्योंकि जब ये शपथ लेता है तो उसमें ये शपथ लेता है कि मैं संविधान का परिरक्षण, मतलब संविधान को किसी भी बाह्य तत्व और परिस्थिति से उसमें बदलाव से रोकता है या उस पर एड ऑन होने से रोकता है, बाहर से सुरक्षा और
संरक्षण से मतलब है संविधान जैसा बना हुआ है उसे उसी अकॉर्डिंग उसकी रक्षा करना। और प्रतिरक्षण से मतलब है संविधान के विरुद्ध अगर कोई उपबंध हो या कोई नया कानून बने तो उससे संविधान की रक्षा करना। ये तीन काम भी राज्यपाल करता है। तो मैंने ये सारे नाम क्यों लिखे हैं, क्योंकि काफी बच्चे इसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन मैंने पढ़ा तो औपचारिक प्रमुख है। तो ये सभी टर्म्स राज्यपाल के लिए लागू होती है, जो कि लगभग इनका मतलब भी सेम है। कार्यकारी नाम मात्र प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख, राज्य का प्रमुख है तो राज्य का प्रथम नागरिक भी है, यही राज्य का संरक्षक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की स्थिति और भूमिका के बारे में कुछ विद्वानों के विचार हैं, जिनमें से दो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो सरोजिनी नायडू कहती हैं कि राज्यपाल की पोस्ट उस पंछी की भांति है जो सोने के पिंजरे में बंद है। मतलब यह पोस्ट सबसे सर्वोच्च है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, एक दास्ता है। वो केंद्र सरकार से भी दबा हुआ है और राज्य सरकार में भी उसकी इतनी चलती नहीं है। पट्टाभि सीतारमैया कहते हैं कि राज्यपाल का काम केवल मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय, भोजन और दावत देना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब राज्यपाल एक दिखावटी मुखिया है। आगे देखते हैं कि संविधान जो हम पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा हम करते हैं संविधान में क्या लिखा हुआ है। राज्यपाल की जो पोस्ट है वो हम संविधान में ही लिखी हुई है, इसलिए आज हम उसे पढ़ रहे हैं और हमें यह दिखाई दे रही है। तो संवैधानिक उपबंध आपको याद होने जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आरपीएससी और बोर्ड के एग्जाम्स डायरेक्ट अनुच्छेद पूछा करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको याद करने हैं या नहीं करने हैं, आपको याद करने ही हैं। आप कई तरीकों से याद कर सकते हैं, ट्रिक्स से कर सकते हैं, या फिर मेरे तरीके से कि आप कुछ टुकड़ों में उनको बांट लें। देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति का एक सीक्वेंस में दे रखा है, उसी प्रकार राज्यपाल का भी उसी सीक्वेंस में दे रखा है। 153 से लेकर 162 तक स्पष्ट रूप से केवल राज्यपाल के बारे में वर्णन है। उसके बाद में सरकारी कार्य संचालन में भी राज्यपाल का ही दो अनुच्छेद हैं। उसके बाद में जब हम विधानसभा पढ़ेंगे तो विधानसभा में भी राज्यपाल के कुछ अधिकार हैं और उसका एक स्थिति है वो पढ़ेंगे। और जब हम बात करते हैं कानून निर्माण प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया, तो वहां पर भी राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं। और इसी के साथ में अध्याय 4 में राज्यपाल की स्पष्ट रूप से एक विधायी शक्ति है अध्यादेश देने की। वो तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट राज्यपाल नहीं पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम केवल राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल और उसकी बेसिक जो पोजीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां क्या है, विधायी शक्तियां क्या है, आपातकालीन शक्तियां क्या है, वित्तीय शक्तियां क्या है, ये सभी, और इसकी हम राष्ट्रपति से तुलना करेंगे। और उसके अगले वीडियो लेक्चर में हम जो अभी तक राज्यपाल हुए हैं राजस्थान के, उनके बारे में विशेष चीजों को ध्यान रखते हुए उनको याद करने की कोशिश करेंगे और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो वापिस आते हैं इसी वीडियो लेक्चर पर और शुरू करते हैं इसकी नियुक्ति से। हाँ, तो मैं आपको बताने वाला था कि राज्यपाल के आपको अनुच्छेद कैसे याद रखना है। तो 53 से शुरू करिएगा कि राज्यों का एक राज्यपाल होता है, जिसे आप यहाँ पर आइए 159 पर, यहाँ है शपथ और प्रतिज्ञान, मतलब पोस्टिंग से लेकर शपथ लेने तक की चीज कहाँ पर है, 53 से 159 तक। तो 54 एक अलग चीज है कि राज्य की कार्यपालिका सारी शक्ति है वो किसमें होगी, राज्यपाल में। और फिर करेंगे हम राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति के बाद में वो कितने साल तक रहेगा और मिनिमम क्वालिटी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए अगर कोई राज्यपाल के लिए आवेदन भी मारे तो, और अगर वो पद पर है तो पद पर रहते हुए उनको कौन सी शर्तों की पूर्ति करनी पड़ेगी, यह हो जाता है। और उसके बाद में वो लेता है शपथ। ठीक है, और उसके बाद में इसकी शक्तियां आ जाती है कि उसके आकस्मिक रिक्ति पर राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। फिर आती है उसकी सैन्य शक्तियां या न्यायिक शक्तियां भी कह सकते हैं, कि समा, दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण में राज्यपाल की शक्ति यानी सजा को कम कर सकता है या नहीं कर सकता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार, इसी प्रकार सरकारी कार्यों का संचालन की 166 और 167। वैसे हम जैसे ही आगे के उपबंध पढ़ेंगे आपको अपने आप कुछ उपबंध याद हो ही जाएंगे, जैसे नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 155।
तो यहाँ पर कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो इसमें स्पष्ट तौर पर है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन यह तो सिर्फ संवैधानिक उपबंध है, समय के साथ में कुछ प्रथाएं भी जुड़ने लगी। वो यह है कि जब राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को किसी स्टेट का गवर्नर बनाए, उससे पहले वो अपनी मंत्रिपरिषद मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति ऐसा करता है। ऐसी प्रथाएं चलती हैं। और राज्यपाल उस राज्य का निवासी ना हो जिस राज्य का उसे राज्यपाल बनाया जाए, ये चीजें संविधान में नहीं लिखी है, लेकिन प्रथाएं शुरू की गई ताकि इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहे इस पोस्ट की। और नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य करना, मतलब कि कोई भी स्टेट है वहाँ का मुख्यमंत्री है, उससे अगर मंत्रणा या उसे परामर्श ले लिया जाए तो वहाँ संघर्ष की जो गुंजाइश होती है वो कम हो जाती है। वरना ऐसा राज्यपाल बना दिया जाए जिससे मुख्यमंत्री की ना बने, तो वहाँ के सारे विधायी और कार्यपालिका के कार्य अटके रहेंगे और शासन सुचारू रूप से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए ये तीन प्रथाएं बाद में शुरू की गई। क्या तो ये मनोनीत तो राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि यह है केंद्र सरकार के अधीन काम करता है या उसके नियंत्रण में काम करता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पोस्ट है, संविधान में सीधा उल्लेख है, यह स्वतंत्र है और यह किसी के अधीन पोस्ट नहीं है। और इससे पहले जब हम देख रहे थे एक अनुच्छेद 153, उसमें है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये मूल संविधान की भाषा में था। लेकिन उसमें सातवें संविधान संशोधन 1956 में एक चेंज किया गया था कि केवल एक राज्य का एक ही राज्यपाल हो, ये नहीं, दो राज्यों या उससे ज्यादा राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। लेकिन अभी तक यही ऐड किया गया कि दो राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में कि क्या ये पॉसिबल है कि एक राज्यपाल दो राज्यों का गिना जाए, तो हाँ, ये संवैधानिक उपबंध है ना कि प्रथाएं हैं, ये इस तरह की, ये संवैधानिक उपबंध नहीं है, लेकिन यह संवैधानिक उपबंध है। तो बात है कि ये मनोनीत ही क्यों, निर्वाचित क्यों नहीं। इसका कारण है कि हमने कनाडा के संविधान का अनुसरण किया है, ना कि अमेरिका के संविधान का। कनाडा का संविधान केंद्र की ओर झुका हुआ है, सारी शक्तियां, तो वहां पर राष्ट्रपति ही राज्यपाल की मनो निर्वा यानी कि मनोनीत करता है उसको, ताकि केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि के तौर पर वो राज्य सरकार में काम करता रहे। और अमेरिका संविधान क्या कहता है कि गवर्नर वहाँ के स्टेट के लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, निर्वाचित होता है, उस पर राष्ट्रपति का डायरेक्ट उसका राष्ट्रपति का प्रतिनिधि नहीं होता है। अब बात करते हैं संविधान सभा में, क्या इसके बारे में कुछ डिबेट्स हुई। तो संविधान सभा में एक समिति बनाई गई थी, प्रांतीय संविधान समिति, जो राज्य स्तर के शासन के बारे में सारे निर्णय लेने थे कि उनमें कौन कौन से बंद ऐड करने और किस प्रकार। तो यहाँ पर दो बातें आई थी, कुछ ने कहा कि राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए, उनमें है कृष्णमाचारी पंत और बीजी खेर, और अंबेडकर और नेहरू इस पक्ष में थे कि ये मनोनीत होनी चाहिए। अब इनका क्या तर्क रहा कि मनोनीत ही हो, तो उसका साफ सा कारण ये था कि हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है, जो कि केंद्र सरकार में भी संसदीय है और राज्य सरकार में भी संसदीय। तो संसदीय शासन प्रणाली की एक बात होती है कि वहां पर एक कार्यकारी प्रमुख होता है और एक नाममात्र प्रमुख, मतलब दो प्रमुख हुआ करते हैं। तो नाममात्र अगर प्रमुख होगा तो ये तो नियुक्त ही किया जाएगा, अगर वहां की जनता उसे चुनेगी तो वो खुद को प्रधान मानने लगेगा, तो वो नाम मात्र कैसे रहा, वो खुद वास्तविक मुखिया बनने की कोशिश करेगा, इसलिए नामांकित रहे। मुख्यमंत्री से मतभेद और संघर्ष, अगर वो वहां की जनता से ही निर्वाचित हो तो मुख्यमंत्री में और उसमें क्या फर्क रहेगा, मुख्यमंत्री भी तो वहां की जनता से चुना हुआ है और यह भी वहां की जनता से, तो ये दो पैरेलल सरकार की जैसे होगा एक ही शासन में। तो एक यह कारण है। दूसरा यह कारण है कि फिर राज्यपाल का निर्वाचन राजनीतिक मुद्दे पर तो होगा नहीं, कि वो किसी पार्टी से तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे कि वो व्यक्तिगत मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। व्यक्तिगत मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा तो उसका अहम और अहंकार के कारण भी काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो राज्य का
वास्तविक मुखिया ही खुद को मानने लगेगा। तो ये तीनों चीजें अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन से करवाई जाए। अगर बात करें कि कुछ ने कहा था कि विधानसभा के सदस्यों से ही चुनवा लेंगे, ना कि जनता से, तो उस समय एक और कारण यह बन जाता है कि फिर वो राजनीतिक दलों का खिलौना बनेगा कि विधानसभा में जिसकी सीटें ज्यादा है तो राज्यपाल भी उसी पार्टी का होगा, तो राज्यपाल की पोस्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्योंकि जैसा मुख्यमंत्री कहेगा वही राज्यपाल करेगा। तो इस कारण अप्रत्यक्ष निर्वाचन को भी कैंसिल कर दिया गया। और ये तीन कारण थे प्रत्यक्ष निर्वाचन को कैंसिल क्यों किया गया। और सबको मिला के बात यही होती है कि ये एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और मध्यस्थ का काम करता है और इसके लिए इसका मनोनीत होना अनिवार्य है और इसी कारण संविधान में इसको मनोनयन की बात की गई है। अब बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल की या पदावधि, जो कि अनुच्छेद 156 में है। तो अनुच्छेद 156 की पहली धारा में लिखा है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति जब तक है वो अपनी पोस्ट पर बने रहेगा, मतलब राष्ट्रपति के जब तक मूड है वो अपनी पोस्ट पर है और जब तक राष्ट्रपति वही रहेगा तो वो चाहे तो उसे हटा सकता है और चाहे तो उसे वहीं पर रख सकता है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार मान सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ही बदल जाता है तो वो इसे भी बदल देगा या नहीं बदलेगा वो उसकी इच्छानुसार होगा जो अगला राष्ट्रपति होगा। तो जहां कहीं भी प्रसाद पर्यंत होता है उसका मतलब यही मान लीजिए आप, इच्छा अनुसार। उसकी धारा दो में है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधन करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। और खुद का त्याग पत्र वो किसको देगा अगर हटना चाहे तो? राष्ट्रपति को ही। और धारा तीन कहती है कि अगर इन दोनों चीजों की मान ली जाए, वे प्रसाद पर्यंत है राष्ट्रपति के और राष्ट्रपति रखना चाहता है और अगर वो त्याग पत्र भी नहीं देता है तो वो अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक वहां पर बना रहेगा। 5 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि पहला राष्ट्रपति है उसकी भी हाँ थी कि ये राज्यपाल है तो दूसरा राष्ट्रपति आया तो टोटल 10 साल का टेन्योर हुआ। तो ये नहीं है कि सबकी अगर मंजूरी है तो वो 5 साल से ज्यादा रहेगा। तो मैक्सिमम कितना? 5 साल की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। लेकिन जब तक नया राज्यपाल वहां पद धारण नहीं कर लेता वहां तक वो उस पर बना रहता है। ठीक है, या आपको लास्ट बात समझ में आ गई कि नहीं? उसका टेन्योर अगर फॉर्मली देखा जाए, मतलब औपचारिक रूप से देखा जाए तो कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष। लेकिन अगर अगला राज्यपाल अभी तक पोस्टिंग नहीं हुए उसकी, तब तक वो अपनी पोस्ट पर बना रह सकता है। अब बात करते हैं योग्यता कि कम से कम कौन सी चीजें होनी चाहिए एक राज्यपाल बनने के लिए। तो दो चीजों की ही जरूरत है कम से कम। एक तो वो भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 35 साल हो चुकी हो। अब बात करते हैं शर्तों की, जो कि है 158 अनुच्छेद में। तो योग्यता और शर्तों में क्या फर्क है? योग्यता होती है कि ऐसी चीज जो कम से कम, मतलब तो इतना चीजें तो होनी चाहिए आपको राज्यपाल बनने के लिए। शर्तें यह है कि आपको उस पद पर बने हुए हैं तो आप क्या क्या नहीं कर सकते या क्या कर सकते हैं, कुछ आप पर टर्म्स होगी। तो इसकी धारा एक में है कि वो संसद के किसी सदन और राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के किस विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदन सदस्य नहीं होगा, किसी भी स्टेट का नहीं होगा और सेंट्रल का भी नहीं होगा, तो ही वो राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और बाई चांस ऐसा आदमी राज्यपाल बन जाता है जो किसी ऐसी पोस्ट पर है तो वो पोस्ट अपने आप ही खाली मान ली जाएगी और वो उस टाइम से ही वहां उस सदन की पोस्ट खाली मान ली जाएगी कि अब ये राज्यपाल है, मतलब दो पोस्ट पर नहीं हो सकते। दूसरा है कि वो लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए और इन फ्यूचर भी कभी भी वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते। तो टोटल 4 शर्तें हैं, 2 शर्तें हमने यहाँ पर पढ़ी, 2 शर्तें पढ़ते हैं आगे। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 158, शपथ, वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 159, देखिए वापिस याद दिलाता हूँ कि अनुच्छेद 158 की 2 शर्तें पढ़ी है। 2 शर्तें वेतन और भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित है जो हम अब पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 159 में लिखा गया है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मतलब हाई कोर्ट के जो सुप्रीम जज हैं, हायर जज, वो उनको शपथ दिलाएंगे अगर ये एब्सेंट रहे तो।
जो भी वरिष्ठ है, सबसे वरिष्ठ हाई कोर्ट का, वो इनको शपथ दिलाएगा। तो शपथ की हमने पहले बात की थी कि वो क्या शपथ लेता है। तो शपथ के लिए इनको उन अनुसूचियों में नहीं जाना, यहाँ पर शपथ का इस अनुच्छेद में ही दे रखा है कि वो संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और भर्ती रक्षण करेगा। वेतन, वेतन इसका दूसरी अनुसूची में दे रखा है, जो कि वर्तमान में है 3.5 लाख प्रतिमाह, जो कि राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और यही कारण है कि यह केंद्र के अधीन नहीं माना जाता, क्योंकि इसका पेमेंट कौन कर रहा है? राज्य खुद कर रहा है, और यह चीज 1935 के एक्ट से ही चली आ रही है। यही चीज इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष भी बनाती है। तो 158 का तीसरी धारा यह थी कि राज्यपाल बिना किराया दिए शासकीय निवासों का उपयोग करने का हकदार होगा, और वो ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का हकदार होगा जो संसद पहले से ही तय कर रखा है। और इसके अलावा इसी में एक है तीसरी धारा में ही, तीसरी धारा का के भाग जो बाद में जोड़ा गया था सातवें संविधान संशोधन में, कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और यहाँ पर था कि ये 3.5 लाख रुपए राज्य की संचित निधि से, तो दो या दो से अधिक राज्य होंगे तो वो राष्ट्रपति तय करेगा कि किस राज्य को कितना भुगतान करना है राज्यपाल को और किस राज्य को कितना। और सबसे लास्ट धारा इसकी कि जो इसकी उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, वे उसकी पोस्टिंग के बाद में कम नहीं किए जा सकते, उसके कार्यकाल के चलते, या नहीं कि आपकी अब 3-25 होगी, ऐसा नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल चीज है कि जो फिक्स कर दिए हैं उन्हें कम नहीं किया जा सकता। तो ये विशेष अधिकार क्या है, या उन्मुक्तियां भी कहते हैं। विशेष अधिकार यह है कि एक तो राज्यपाल कोई भी काम करता है तो उस काम के लिए, कार्यकारी काम के लिए, न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं हो सकता। मतलब उसे न्यायालय को जवाब नहीं देना है कि मैंने कार्यपालिका का ये काम किया है, तो न्यायपालिका ये सवाल नहीं कर सकती कि आपने ये क्यों किया है या आपने किस आधार पर किया है। तो ये इस बारे में स्वतंत्र है, और अपने कार्यकाल के दौरान उस पर कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं किया जा सकता, केवल दीवानी मुकदमा किया जा सकता है, यानी व्यक्तिगत रूप से। और वो भी कब, कैसे किया जा सकता है? पहले आपको राज्यपाल को 2 माह पूर्व में लिखित तो सूचना देनी पड़ेगी कि ये कारण है और इस कारण आप पर मुकदमा करेंगे। तो ये उनको 2 माह पहले सूचना दी जानी चाहिए। अब पढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर की सबसे लास्ट टॉपिक को, कि राज्यपाल के पद को लेकर प्रमुख समितियों ने क्या सिफारिशें दी। राज्यपाल का पद भारतीय संघवाद के लिए एक अहम पद है, और इसी कारण कई कमेटियां भी बनाई गई है जो डायरेक्टली रिकमेंडेशन दी है राज्यपाल की पोस्ट के बारे में। तो इसमें हम 4 प्रमुख जो समितियां उनके बारे में बात करेंगे। पहली, प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि 1966 में अपनी रिपोर्ट दी थी, उसने क्या कहा। भगवान सहाय समिति 1970 में, जो कि जम्मू कश्मीर से थे। राज्य मन्ना समिति 1970 से। सरकारी आयोग 1983। तो ये 4 टाइम टाइम पर समितियां बनी थी। तो ये समितियां कोई राज्यपाल के पद की सिफारिशों या उस पर रिपोर्ट देने के लिए नहीं बनी थी, यह प्रशासन से संबंधित थी, यह संघवाद से संबंधित थी, लेकिन इनमें कुछ ऐसी टर्म्स थी जो राज्यपाल से संबंधित थी, तो हम उनके बारे में देखते हैं। तो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 यह कहता है कि नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श कर लें। मतलब अभी तक फर्स्ट स्टेज में, आने वाली कमिटीज में हम देखेंगे कि यह चीज बढ़ती जाएगी। और जब हमने शुरुआत में ही पढ़ा था नियुक्ति के बारे में, तो वहां हमने परंपराओं के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी परंपराएं चली आ रही है नियुक्ति को लेकर, तो ये इसी कारण हुआ है। दूसरी बात, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन का राज्यपाल को अनुभव होना चाहिए ताकि वो इस पोस्ट को अच्छे से हैंडल कर पाए। दूसरी समिति है भगवान सहाय समिति, जो कि 1970 में अपनी रिपोर्ट दी थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर मंत्रिपरिषद में बहुमत ना हो, या राज्यपाल को ऐसा लगे कि बहुमत नहीं बन पाए, तो आप सत्र बुलाइए और ये फिक्स कीजिए कि विश्वास प्रस्ताव का कहिए, और ऐसे में मुख्यमंत्री विधानमंडल का सत्र बुलाने में आनाकानी करें कि थोड़ा लेट कर देंगे, बाद में ऐसा कुछ करें, तो वो हाथों हाथ मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दे और दूसरी जो बड़े दल है उसे बुलाए। अगर वो भी सक्सेसफुल नहीं रहता है तो आप राष्ट्रपति
शासन के लिए सेंट्रल को भेजें। राज्य मन्नार समिति 1969 की, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी। तो प्रशासनिक सुधार आयोग में कहा गया था कि मुख्यमंत्री का परामर्श लेना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि ये जरूरी ही कर देना चाहिए, कि मुख्यमंत्री का परामर्श तो जरूरी ही या अवश्य कर देना चाहिए। और एक टर्म है संविधान में कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद रहेगी, तो इस टर्म को हटा देना चाहिए क्योंकि इसका वैसे भी कोई मतलब है नहीं। मतलब ऐसे नहीं है कि राज्यपाल को एक तो असीमित पावर देने की जरूरत नहीं है कि वो मंत्रिपरिषद को कभी भी हटा दे, उसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। और प्रसाद पर्यंत जैसी चीज तो हटा देनी, प्रसाद पर्यंत का मैंने आप पहले भी कहा था इच्छा अनुसार। पूर्व राज्यपाल मतलब जो एक बार राज्यपाल बन चुका है उसे केंद्र सरकार में किसी भी पोस्ट पर नहीं लिया जाना चाहिए। और राज्यपाल पर अगर कदाचार या असक्षमता का आधार पर उसे पदच्युत किया जाता है तो इसकी सुनवाई केवल हाईकोर्ट में की जाए, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं की जाए? क्योंकि ये राज्यों की स्वायत्तता का मामला है। कम से कम राज्य को इतनी स्वायत्तता है कि उसका जो प्रधान है उसे हटाया गया है, तो उसकी सुनवाई हाईकोर्ट में ही की जाए। और मुख्यमंत्री चयन हेतु विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। अगर कोई पार्टी कंप्लीट बहुमत में नहीं है या कुछ उनमें प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाए और उसका समस्या का समाधान करे, ना कि डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन के लिए आवेदन करे। चौथा, सरकारी आयोग 1983। ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें चीजें दी गई है जिसमें कई मान भी ली गई है। एक तो नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श, यहाँ पर तो कहा था कि चाहिए, यहाँ पर कहा था कि जरूरी है, और यहाँ पर तो यह तक कह दिया कि इसे संविधान में शामिल कर लेना चाहिए इस स्टेटमेंट को कि मुख्यमंत्री से परामर्श लेना आवश्यक ही है, इसे संवैधानिक उपबंध बना देना चाहिए। और राज्यपाल संबंधित राज्य से ना हो, जो हमने परंपराएं पढ़ी थी वो उसमें से यह चीज यहीं से ली गई है कि कोई भी राज्यपाल उस राज्य से ना हो। और विधानसभा में जिस दल या गठबंधन का बहुमत हो उसे ही सरकार के लिए आमंत्रित करें, गोलमटोल ना करें राज्यपाल अपने स्तर पर, बल्कि जो साफ दिख रहा है कि गठबंधन बड़ा है तो आप उस गठबंधन को बुला लीजिए या कोई पार्टी बहुमत में है तो उसे बुला लीजिए। और हारे हुए प्रतिनिधि को राज्यपाल ना बनाए। कोई भी आदमी जो किसी भी या MLA की पोस्ट हो या MP की, किसी पर भी अगर वो निर्वाचन के लिए खड़ा हुआ और फिर हार गया तो उसे राज्यपाल ना बनाया जाए, क्योंकि वो राजनीतिक इन्फ्लुएंस उसमें बना रहेगा। और एक शर्त है कि राज्यपाल कोई लाभ के पद पर ना हो। तो सरकारी आयोग ने ये सिफारिश की कि वो फ्यूचर में भी किसी लाभ के पद पर ना हो। और बहुमत साबित नहीं होता है अगर विधानसभा में तो दूसरे बड़े दल को बुलाए, और दूसरा बड़ा दल से भी एक स्थायी सरकार ना बन रही हो तो ही राष्ट्रपति शासन को के लिए केंद्र सरकार को बताए। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन चार समितियों ने सिफारिशों के रूप में राज्यपाल के पद पर कही थी, और जिसमें से काफी हमारी प्रथाएं चल भी रही है, लेकिन अभी तक इन सिफारिशों के आधार पर संविधान में कोई उपबंध नहीं जोड़ा गया है। और राष्ट्रीय संविधान के कार्यकारिण समीक्षा आयोग जो कि 2002 में बैठा था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बिठाया गया था कि संविधान की एक बार पुनः समीक्षा की जाए, तो उसमें भी यही चीजें वापस की गई थी जो सरकारी आयोग ने बताई थी, उन्हीं की सिफारिशें वापस की गई थी। लेकिन इसका कोई खास रोल नहीं है, तो आप इन चारों को याद रखिए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है, ताकि कोई भी आपको शंका ना रहे। और इसके अलावा भी अगर कोई शंका रह जाती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपकी शंका समाधान के लिए तत्पर रहेंगे। तो आज हमने पढ़ा राज्यपाल, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसका कार्यकाल कितना होता है, और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, पोस्ट पर रहते शर्तें क्या हैं, और इन्हीं शर्तों में हम देखते हैं कि विशेष अधिकार को जो उसके उपलब्धियां वगैरह इनके बारे में भी भत्ते वगैरह उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और इसके बाद में हमने देखा कि कुछ कमिटीज थी
और उन्होंने क्या सिफारिश की है इस पोस्ट के बारे में। तो इन सभी को देखते हुए अभी तक राज्यपाल की पोस्ट के लिए सिर्फ एक संविधान संशोधन के कारण एक नया उपबंध जुड़ा था, वो था 1956 का 7वां संविधान संशोधन की दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता, और उसके अलावा संविधान में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया राज्यपाल से लेकर। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे तो रिपीटेटिव भी क्वेश्चन कई पूछे गए हैं और नए क्वेश्चन भी बनने के कई आसार हैं। और इसी वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ये राष्ट्रपति से कितना अलग है, और कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो राष्ट्रपति से शायद ज़्यादा भी हैं और कुछ कम हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। धन्यवाद।